हेलो हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। तो आज हम अल्कोहल फिनॉल ईथर की जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम जो कर रहे थे उसका सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। एंड इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर जितना भी हो सकता है उतना हम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है वंस बेसिकली हमें क्या करना है। सो हाउ विल यू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब फॉर्मेशन, आप किस तरह से ये फॉर्म करेंगे वन फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम अ सूटेबल एल्कीन। हमें बेसिकली एक सूटेबल एल्कीन चूज करना है। ठीक है, हमें एक सूटेबल एल्कीन चूज करना है और हमें जो प्रोडक्ट बताया गया है उसे फॉर्म करना है। आइए देखते हैं, हमें एक एल्कीन चूज करना है। ठीक है, और प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट हमें बनाना है वन फिनाइल इथेनॉल। ठीक, तो वन फिनाइल इथेनॉल का आप स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरह से होगा कि बेंजीन CHOH एंड CH3, यही तो होगा वन फिनाइल एंड इथेनॉल। ठीक, हमें एल्कीन चूज करना है। अब आप मुझे बताएं ये एल्कीन से ये एल्कोहल कैसे फॉर्म होता है। एल्कीन से एल्कोहल फॉर्म आई थिंक इससे होता है, और कोई भी एल्कीन आप ले लें और उसकी आप रिएक्शन अगर H+H2O से करा दें तो आपका एल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक है, वाया एडिशन मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है। ठीक है, तो आइए हम एडिशन कराते हैं। तो हमें एल्कीन चूज करना है, तो एल्कीन हम कौन सा चूज करें, हमारे लिए सूटेबल एल्कीन होगा वो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एल्कीन होगा। आप इसकी जब रिएक्शन H+H2O से कराएंगे तो H+ वहां पर जाकर ऐड होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और OH- वहां पर जाकर ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। तो ये आपका CH3 हो जाएगा CH2 से, और यहां पर आपका OH लग जाएगा। बात समझ में आई? तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 13 की फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है कि हमें साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाना है यूजिंग एन अलाइल हेलाइड बाय एन SN2 रिएक्शन। ये भी कहा गया है कि हमें जो रिएक्शन करानी है वो SN2 होनी चाहिए। ठीक है, हम कोई भी एक अल्काइल हेलाइड चूज करना है हमें जिसमें कि SN2 रिएक्शन हो, और जो प्रोडक्ट हो हमारा वो साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल हो। साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल, इसी को तो साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो अल्काइल हेलाइड हम कौन सा चूज कर सकते हैं, अल्काइल हेलाइड हम CH2Br को चूज कर सकते हैं, या फिर अगर जनरल आप लिखना चाहें तो जनरल लिख सकते हैं CH2X। ठीक है, एक जनरल केस हो गया। तो CH2X का आप SN2 रिएक्शन जब करा दें, किससे रिएक्शन करा दें, आप OH- से सब्स्टिट्यूशन करा दें, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, सब्स्टिट्यूटेड। जो OH- होगा इस हैलाइड को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। SN2 रिएक्शन हमने जब हेलो एल्कीन्स पढ़ा था यही तो पढ़ा था, OH- क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आके इस हेलोजन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये थी हमारी सेकेंड क्वेश्चन, इस पार्ट की सेकेंड पार्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड, वो है हमारा कि पेंटेन वन ऑल यूजिंग अ सूटेबल अल्काइल हेलाइड। ठीक है, हमें एक सूटेबल अल्काइल हेलाइड चूज करना है और फॉर्मेशन किसी करनी है पेंटेनॉल की। 1 2 3 4 5 यहां पर आप CH2OH लिख लो।
हमें ये फॉर्म करना है एक सूटेबल अल्काइल हेलाइड से। ठीक है, अगेन आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। अल्काइल हेलाइड चूज करना है तो आप इस अल्काइल हेलाइड को चूज कर ले, CH2X, ये आपको कोई भी अल्काइल हेलाइड है। ठीक है, आपने इसे क्या करे OH माइनस अगेन सब्स्टिट्यूशन कराया SN2। जब सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो OH माइनस क्या कर देगा, अगेन सब्स्टिट्यूट कर देगा और आपको पेंटेनॉल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। गिव टू रिएक्शंस दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विथ दैट ऑफ इथेनॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो रिएक्शंस बतानी है जो कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को क्या करते हो, बताते हो कि ये जो फिनॉल है इसकी जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। बेसिकली फिनॉल जो है एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, और फिर हमें कंपेयर करना है एसिडिटी ऑफ फिनॉल विथ दैट ऑफ इथेनॉल। तो ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि इस पेज पर नहीं हो पाएगा। तो एक तो जनरल केस होता है, सबको पता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कि जब भी आप फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं किसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, मान लीजिए ये फिनॉल है आपका, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है O माइनस Na प्लस प्लस वाटर। ठीक है, आप किसी भी एसिड से बेस की जब रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए HCl है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये क्या है, एक हमारा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हमारा क्या है, एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है, एक NaCl मिलता है, सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस हमें एक वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। सिमिलरली ये हमारा क्या है, एक एसिडिक है, एसिडिक है तभी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करके हमें क्या मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक तो ये आपको शो करता है। ठीक है, और सेकेंड अगर आपको पता हो कि एल्किली मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, एल्किली मेटल्स जो होते हैं वो किसी भी एसिड से रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, पता है आपको, अगर न पता हो तो नोट डाउन करके लिख लें कि एल्किली मेटल्स जो होते हैं, लाइक सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये एल्किली मेटल्स जो हैं वो किसी भी एसिड के साथ डायरेक्ट अगर रिएक्शन कराई जाए तो आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सिमिलरली यहाँ भी होता है कि आप अगर फिनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल से कराएं तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। ठीक है, प्लस H2 गैस आपको रिलीज होता है। अगर आप 2 मोल यहाँ पर लेते हैं तो इसका 2 मोल कंज्यूम होगा और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा, H2 गैस आपको क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये 2 रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो आपको एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बारे में बताते हैं। ठीक, एक और रिएक्शन होती है, बताएं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। वैसे भी इस चैप्टर में ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज नहीं हुआ, एक बार इसको भी एंट्री कराई देते हैं। ठीक है, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट इसको भी हम अरेंज कर देते हैं। अगर आप किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कराते हैं, ठीक है, लाइक CH3- MgBr+, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक, जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सिंस ये डेल नेगेटिव चार्ज है और ये डेल पॉजिटिव, तो ये जो हाइड्रोजन, ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये जो है फिनॉल आपको O- MgBr+ में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस आपको CH4 मीथेन गैस मिलती है।
बात समझ में आई? मतलब आपको कोई भी गैस अगर बनानी हो हाइड्रोकार्बन लाइक इथेन, ठीक है, प्रोपेन गैस बनानी है, तो करेस्पॉन्डिंग फिनोल से, किसी भी अल्कोहल से आप उसकी रिएक्शन करा दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। मान लीजिए CH3CH2CH2MgBr से आपने रिएक्शन करा दी, ये माइनस और ये प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तोड़ने आता है ना, ठीक है। अब जो ये न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन C3H8, ठीक है, प्लस फर्दर आपको क्या मिलेगा, ओ माइनस MgBr प्लस, ठीक। आप इसकी रिएक्शन अगर H प्लस H2O से करा देते हैं तो अगेन आपको फिनॉल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंस हमने इस चैप्टर में कहीं भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन नहीं पढ़ा था, तो यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि एल्कोहल या फिनॉल दोनों से ही सिर्फ क्या करता है, हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3- हो या CH3CH2- हो, कोई भी हो, वो सिर्फ हाइड्रोजन को लेकर के चला जाता है, ठीक है। एंड ओ माइनस एम जी बी आर प्लस आपको फॉर्मेशन होता है, जिसको हम फर्दर अगर एच प्लस एच टू से रिएक्शन करा दें तो हमें अगेन अपना फिनॉल मिल जाता है, ठीक है। तो आप, मैंने तीन एग्जांपल बताया आपको, इन तीनों में से कोई भी आप दो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी बात, और फर्दर हमें क्या बताना था, हमें बताना फिनॉल एसिडिटी ऑफ फिनॉल विथ दैट ऑफ इथेनॉल, ठीक है। हमने थ्योरी में भी पढ़ा है कि जो फिनॉल होते हैं वो हर एक एल्कोहल से क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, कोई भी जनरल एल्कोहल में ले लेता हूं, ROH क्यों होते हैं, क्योंकि जब एसिडिटी, किसे बोलते हैं हम, एसिडिटी का मतलब होती है दोज कंपाउंड्स विच कैन डोनेट एच प्लस एन इजीली, ठीक है। अब ये जब एच प्लस यहां से आप निकाल लेंगे माइनस एच प्लस, तो आपको फिनोक्साइड आयन मिलेगा, जिसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ओ माइनस, ठीक है। और अगर यही आप एल्कोहल ले लेते हैं और इसमें से आपने एच प्लस क्या किया, माइनस कर दिया, मतलब सॉल्यूशन में एंट्री करा दी, तो ये आर ओ माइनस हो गया। अब आप मुझे बताएं कि ये फिनोक्साइड जो है ओ माइनस के लोन पेयर जो हैं, इस बेंजीन के साथ क्या करेंगे, लोन पेयर जो है ओ माइनस का, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, करेगा बिल्कुल करेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर क्या है, लोन पेयर, तो रेजोनेंस होगी, बट इस केस में रेजोनेंस नहीं होगा। अब सिंस रेजोनेंस नहीं होगा तो ये जो है एल्कोक्साइड आयन बना है ये उतना स्टेबल नहीं होगा, नॉट स्टेबल, और जब ये स्टेबल नहीं होगा तो ये अपना जो एच प्लस है वो डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, वो डोनेट ही नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है फर्दर बैकवर्ड चली जाती है, बात समझ में आई? इसीलिए जो होती है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्कोहल्स, बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 15। अगर हम इसकी बात करें तो एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। ओके, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पोजिशन पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप, और सेकेंड कंपाउंड हमारा क्या है, ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल, एंड इन दिस क्या है, इन दिस केस यहां पर मिथॉक्सी है,
ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि NO2 ग्रुप हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, जो एसिडिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है, ये एसिडिटी को इंक्रीज करता है, वेयर एज ये जो है मिथॉक्सी, ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये एसिडिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सिंस इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड दिस स्टेबलाइज द मैं लिख दूं क्या, ठीक है मैं लिख देता हूं, आप लिख सकते हैं कि द एसिडिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आर ग्रेटर देन ऑर्थोमेथॉक्सी फिनॉल बिकॉज इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नेगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप स्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन फॉर्म्ड आफ्टर डोनेशन ऑफ एच प्लस आयन, ठीक है। अभी मैं इन इस लाइन को एक्सप्लेन भी कर देता हूं एक बार फिर से, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ ऑर्थोमेथॉक्सी नाइट्रोफिनॉल इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, एक मिनट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एफ प्लस एम इफेक्ट, आप इसको मेजर में लिख लीजिएगा, प्लस एम इफेक्ट ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन फॉर्म, हेंस स्टेबिलिटी ऑफ या फिर एसिडिटी ऑफ हेंस एसिडिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल्स इज ग्रेटर देन ऑर्थोमेथॉक्सी फिनॉल। अब आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर हम बात करें तो अभी भी मैंने आपको बताया कि कुछ
किसी भी एसिडिटी की या फिर किसी भी एसिड अल्कोहल की, आप अगर एसिडिटी की बात करते हैं तो एसिडिटी का मतलब होता है कि जितनी जल्दी वो एच प्लस डोनेट कर दे वो उतना ही बढ़िया एसिड होता है। ठीक है, एसिडिटी कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू डोनेट एच प्लस आयन इन सॉल्यूशन। टेंडेंसी टू डोनेट एच प्लस आयन, ये होगा आयन इन द सॉल्यूशन। जो कंपाउंड जितनी जल्दी एच प्लस डोनेट कर देगा उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो हमें जो दो कंपाउंड्स गिवेन हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड एक है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड दूसरा है हमारा ऑर्थो मेथॉक्सीफिनॉल। ओके, यहां पर क्या है OH और इसके ऑर्थो पोजीशन पर OM। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके एच प्लस को निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें तो इस चीजों को भी एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सिमिलरली इसमें से भी आप OH की एच प्लस क्या करें, निकाल लें। ठीक है, और यहां पर OM ही आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि यहां पर NO2 का जो है माइनस एम इफेक्ट लगता है, निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट जिसे हम बोल रहे थे अभी, और यहां पर जो OME का लगता है उसका हम पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट लगता है। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, O माइनस को डिस्टेबलाइज करता है, मतलब उसको अनस्टेबल करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, और NO2 जो है वो एसिडिक, ये जो O माइनस फॉर्म है इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। मतलब ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट, जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उतना ही तेजी से कन्वर्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसीलिए जो हमारी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होती है वो मोर एसिडिक होती है एज कंपेयर टू ऑर्थोमेथॉक्सी नाइट्रोफिनॉल, सॉरी ऑर्थोमेथॉक्सी फिनॉल नॉट नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोमेथॉक्सी फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होती है। बात समझ में आई, आप इस तरह से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसको भी इरेज कर दें। ठीक है, आइए अपने प्रीवियस क्वेश्चन बैंक पर चलते हैं। इसको क्या होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11.16, एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, हमें क्या एक्सप्लेन करना है, हमें एक्सप्लेन करना है कि अगर किसी बेंजीन रिंग के OH ग्रुप अगर लगा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, ये कैसे रिंग को एक्टिवेट करता है, आइए देखते हैं। फिनॉल की केस मैंने आपको बताया था कि फिनॉल एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, आपको याद हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर में। ठीक है, आज हम उसकी बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो आप एक बात बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जो इस पर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। मतलब जिनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और वो वहीं पर जाकर ऐड होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भिखारी है, ठीक है, मान लीजिए कोई भिखारी है, तो
अगर उसे कुछ लेना है किसी से, ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसी अच्छे इंसान के पास जाएगा ना, जो थोड़ा अमीर दिखने में हो या अमीर हो। ऐसा थोड़ी नहीं कि वो अगले दूसरे भिखारी के पास चला गया और बोला कि भाई तू ही मेरे को पैसे दे दे, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो उनके पास जाएगा ना जिनके पास पैसे हो, ये उनके पास नहीं जाएगा जो खुद ही भिखारी बनकर घूमते हैं। ठीक है, पहले ऐसे वर्ड यूज नहीं करने चाहिए टीचिंग में, बट समझाने के लिए आप भावनाओं को समझें। ठीक है, तो वैसे ही एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर जाएगा जहां पर इसको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये वहीं पर जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब आइए देखते हैं कि हम कहां कहां इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं इसको फिनॉल के केस में। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि फिनॉल है हमारा, ठीक, ये हमारा क्या है फिनॉल, इसके पास क्या है लोन पे है। ठीक है, आइए इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हम स्टार्ट करते हैं। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। ठीक है, तो जब आप इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, ये पाई हमारा लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अभी तक तो ये सब याद हो गया होगा आपको। तो डबल बॉन्ड ओ, सिंस टेल इसके पास है तो इसके पास प्लस चार्ज होगा। ठीक है, और इसके पास हेड भी है और टेल भी है, हेड और टेल दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, और इसके पास हेड आया है मतलब ये माइनस होगा, ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। ठीक है, अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। सेकेंड में क्या होगा, ये लोन पेयर हमारा पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई हमारा लोन पेयर में। ठीक, तो यहां पर डबल बॉन्ड होगा, यहां पर डबल बॉन्ड रहेगा और यहां पर एक लोन पेयर आपका आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड ओ एच प्लस एज इट इज के एज इट इज सेम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं आर एस। जब हम नेक्स्ट आर एस बना रहे हैं तो इन दिस केस क्या होगा, ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई लोन पेयर में। ठीक है, तो यहां पर पाई बॉन्ड एक फॉर्म हुआ और यहां पर हमारा लोन पेयर आया और ये डबल बॉन्ड ओ एच और इस पर प्लस चार्ज। ठीक, इसी और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं क्या, कि ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो और ये पाई अगेन लोन पेयर में। तो जब ये हेड इसके पास आएगा तो ये माइनस चार्ज होगा, माइनस प्लस मिलकर क्या करेंगे, न्यूट्रल हो जाएगा ये। तो अगेन आपको ओ एच मिल गया। अब बात आती है कि इसमें एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग की क्या बात है। तो आप देखें कि ऑर्थो पैरा एंड अगेन ऑर्थो, मतलब दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इसके पास क्या आ रहा है, लोन पेयर। यहां भी क्या आ रहा है, लोन पेयर, यहां भी क्या आ रहा है, लोन पेयर। और लोन पेयर का मतलब क्या होता है, लोन पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वहां पर क्या होना, जमा होना। मतलब वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल जाकर क्या होगा, लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई। इसीलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है इन केस ऑफ फिनॉल या फिर किसी भी एक्टिवेटिंग ग्रुप के केस में, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही जाकर लगता है, वो कभी मेटा पर नहीं जाता, क्योंकि मेटा के पास तो लोन पेयर आया ही नहीं। आप जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, इसने ऑर्थो पर आया, फिर मेटा को छोड़ के पैरा पर चला गया, ठीक है, लोन पेयर, और फिर अगेन मेटा पर नहीं गया, ऑर्थो पर चला गया। मतलब दोनों ही ऑर्थो पोजिशन पर निगेटिव चार्ज आए, ठीक, और पैरा पर आए। तो जहां निगेटिव चार्ज आया वहां पर लोन पेयर, और जहां पर लोन पेयर वहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिच हुआ वो, ठीक, मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कोई कमी नहीं है। तो जब कमी नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल आया और उन्हीं पोजीशन पर क्या हुआ, अटैक करना स्टार्ट किया। तो ये जब ऑर्थो पर किया तो ऑर्थो प्रोडक्ट हमें मिला, और जब पैरा पर किया तो पैरा प्रोडक्ट मिला हमें। बात समझ में आई। तो ये है रीजन कि वाई फिनॉल्स में जब हम बेंजीन रिंग में OH ऐड कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स वो ज्यादा क्या करता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस होती है जब,
तो उसके लोन पेयर चारों ओर रिंग में घूमते रहते हैं, ठीक है। जो उस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, हेंस दे सपोर्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, इन शॉर्ट, ठीक है। बात समझ में आपको, ये भी समझ में आया कि हाउ इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नॉट फॉर मेटा डायरेक्टिंग, ये मेटा पर क्यों नहीं जाते हैं? ठीक है, बात समझ में आई। वेल, अब हम चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल, प्रोपेन वन ऑल विद अल्कलाइन KNO4, ठीक है। तो हमें रिएक्शन करानी है प्रोपेनॉल की विद अल्कलाइन KNO4। आइए देखते हैं, प्रोपेनॉल बनाते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये हमारा प्रोपेनॉल हुआ, इसकी हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, अल्कलाइन KNO4 से, ठीक है। मैंने आपको KNO4 पढ़ाया है ऑक्सीडेशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक। तो अल्कलाइन KNO4 क्या होता है, एसिडिक KNO4 से थोड़ा वीक होता है। आप अगर एसिडिक KNO4 यूज करते हैं तो आपको डायरेक्टली एसिड प्रोडक्ट मिलता, ठीक है। लेकिन अल्कलाइन KNO4 कहने का मतलब यही है कि ये जो होता है लेस इफेक्टिव होता है, बट ये भी जो है क्या करता है, प्रोपेनॉल जितने भी एल्कोहल्स वगैरह हैं उनको क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है एक एसिड CH3, CH2, एंड ये जो एल्कोहल है ये आपको एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई, तो ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड बनता है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक, वेरी गुड। तो ये थी हमारी एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। फर्दर देखते हैं कि इसके और पार्ट्स में क्या गिवेन है। जो नेक्स्ट कर रहे हैं वो है कि ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल, ठीक है। फिनॉल इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 लिखा हो, या फिर एक रिएजेंट मैंने आपको बताया था Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 हो, ठीक है, लुईस एसिड हो, मतलब बेसिकली तो इस तरह के जो होते हैं हेलोजिनेशन होते हैं, और सिंस ये ब्रोमीन ऐड होना चाहता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोमिनेशन बोलेंगे। अब अगेन ये जो OH है ये कौन सा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ब्रोमीन इसके ऑर्थो पर लग जाएगा, ठीक है। अभी भी मैंने बताया कि ये ऑर्थो एंड पैरा पर क्यों लगते हैं, और एक जो कंपाउंड बनेगा उसमें ये इसके पैरा पोजीशन पर लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल और ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल। बात समझ में आई, ठीक। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल, मतलब फिनॉल की रिएक्शन हम डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे। ध्यान दें यहां पर आपको डाइल्यूट HNO3 गिवेन है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता, आपको पिक्रिक एसिड मिलता, ऑर्थो दोनों ही ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन को नाइट्रो ग्रुप क्या करता, सब्स्टिट्यूट कर देता, बट इन दिस केस डाइल्यूट HNO3 है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। आप डाइल्यूट HNO3 यूज कर लें या फिर इसके बदले आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज कर लें, ठीक है, दोनों ही क्या होगी, नाइट्रेशन होगी। तो यहाँ पर ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा और अगेन एक पैरा पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। बात समझ में आई, चलिए बात समझ में आई तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये रिएक्शन आपको याद है? बड़ा स्ट्रेस देके पढ़ाया था मैं इस रिएक्शन को, दो रिएक्शन मैंने बताया था कि ये हर साल अप्रोक्सीमेटली पूछे जाते हैं, ये उन्हीं में से एक है, बताइए कौन सा है? ये मर क्या रैमर टैमन रिएक्शन है, ठीक है, RTR, रैमर टैमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, मेजर प्रोडक्ट आपका होता है सैलिसिलडिहाइड OH, और इसके ऑर्थो पोजीशन पर CHO आ जाता है, ठीक है। एक और जो प्रोडक्ट होता है वो माइनर होता है, और वो क्या होता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड CHO, ये है हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, जिसे हम प्यार से सैलिसिलडिहाइड भी बोलते हैं, और ये है हमारा क्या, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। बात समझ में आई? ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा 11.18 जो क्वेश्चन नंबर है, इसको आप देखें तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एन एग्जांपल कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन मैंने सेपरेटली आपको पढ़ाया था, ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह भी बताया थी, इसके तीन चार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराए थे जिसमें हमने आइसोटोप्स का यूज किया था, तो आप उस पेज को रेफर करें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक। रैमर टैमन रिएक्शन भी हमने पढ़ा है, इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ी है, इसके एग्जांपल्स भी पढ़े हैं, तो ये दोनों आप क्वेश्चन आप अपने से करें होमवर्क, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब हमारा है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ऑल्दो मैंने इसको भी बताया था, बट आइए मैं इसको बता देता हूँ फिर से। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या था हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 1 डिग्री एल्केन होना चाहिए, हेलो एल्केन, ठीक है, 1 डिग्री हेलोजन होना चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए रिएक्शन के लिए, एल्कोक्साइड होना चाहिए, सोडियम एल्कोक्साइड। तो आप अगर इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आपको प्रोडक्ट जो मिलता है वो ईथर होता है। एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं इसमें, बाकी आप डेफिनेशन अपने बुक से लिख लीजिएगा इसका, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि CH3 CH2Cl मान लीजिए हमने लिया, एक है प्राइमरी हैलाइड है 1 डिग्री हैलाइड, हमने इसकी रिएक्शन कराई CH3CO-Na+, यहां पर हाइड्रोजन है आपका और ये है आपका CH3, ठीक है, ये हमने सेकेंडरी सोडियम एल्कोक्साइड आयन लिया। इसकी जब आप रिएक्शन कराते हैं तो SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है, ये अभी क्लोरीन निकल ही रहा होता है तब तक इस एल्कोक्साइड का यहाँ पे क्या होता है, अटैक हो जाता है, ठीक है, तो NaCl आपका निकल जाता है बाहर, यहाँ से सोडियम प्लस और यहाँ पे Cl-, और जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो होता है कि CH2CH3, और इससे जो O लगा हुआ है इसी O से हमारा CH2CH3 ऐड हो जाता है, ठीक है। आप इसकी अगर नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो ये 2-ethoxy-butane, बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप अपनी डेफिनेशन वहां से लिख ली। और आपको देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है इसी का, जस्ट अनसिमेट्रिकल ईथर का, ये भी आप एग्जैक्टली यही एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, ये इधर कैसा है अनसिमेट्रिकल, आप मान लीजिए ये नहीं लेना चाहते, कोई और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो उसको मैं बता देता हूँ, कि आप अगर एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए सबसे बेस्ट होती है कि आप CH3Br ले लें, ठीक है, प्लस सोडियम इथॉक्साइड ले लें, ठीक है, तो O- आपका क्या करता है, अटैक करता है फ्रॉम बैक साइड, Br यहाँ से निकल जाता है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है ये ET के मतलब है हमारा इथाइल, ठीक है, इथाइल का मतलब होता है क्या, CH3CH2, दिस इज इक्वल टू ET, इथाइल ग्रुप, इन शॉर्ट लिखा जाता है ये, आप इसे कंफ्यूज ना होना। तो
तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, सी एच थ्री सी एच टू, इससे ऑक्सीजन लगा हुआ फर्स्टली। अब ये जो ऑक्सीजन इस पर अटैक कर देता है तो इस पर सी एच थ्री भी लग जाता है, तो ये क्या है आपका ऑन सिमेट्रिकल ईथर। बात समझ में आ गई, तो ये थी आपकी ऑन सिमेट्रिकल ईथर। ऑल्दो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था वो भी क्या था, ऑन सिमेट्रिकल ईथर, क्या वो सिमेट्रिकल था, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब 19 देखते हैं, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन, ठीक है। हमें क्या करना है, इथेनॉल की सी एच थ्री सी एच टू ओ एच की कन्वर्जन जो इथीन में होती है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, एक डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन है, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म हमें लिखनी है। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो आपको गिवन जो है वो है आपका इथेनॉल सी सी एच थ्री सी एच टू ओ एच। अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो कराते हैं अगर याद हो तो आप इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर कराते हैं, या फिर कोई भी एक एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं। अगर आपको एसिड गिवन नहीं होता है तो आपको लिखा हुआ मिलता है एच प्लस एच टू ओ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एसिडिक मीडियम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है एच प्लस सॉल्यूशन में, अब एसिड है तो सॉल्यूशन एच प्लस होगा ही, तो इसके लोन पेयर पे ये अटैक कर देता है, ठीक है। मतलब ये ऑक्सीजन जो है इसको अपने लोन पेयर डोनेट करता है, तो आपका सी एच थ्री सी एच टू ओ, इससे तो पहले एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, एक हाइड्रोजन और लगा, इस पर क्या आया प्लस चार्ज। अब ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हुआ तो क्या हुआ, ये खुद ही ये लोन पेयर जो ये बॉन्ड पेयर था इसको लेकर के निकल गया, ठीक है। तो इस ये जैसे ही निकला एक कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, ठीक है। जैसे ये जनरेट हुआ तो फर्दर क्या हुआ कि अब ये कोई न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं कि इसको आके क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे बाय SN1। तो ये क्या करता है कि यहां वाली जो हाइड्रोजन कार्बन है इसको अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, हाइड्रोजन लेस है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल के माइनस एच प्लस कर देता है, मतलब एच प्लस जो है रिलीज कर देता है, इस पर माइनस चार्ज आता है, इसके पास हेड आ रहा है, मतलब क्या है माइनस चार्ज आ रहा है, तो माइनस प्लस मिलकर क्या कर लेते हैं डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ये आपका इथीन बन जाता है। ठीक है, समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बिफोर दैट इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट, हमें प्रोपीन को प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्ट करना है, हमें प्रोपीन को किसमें कन्वर्ट करना है, प्रोपेन टू ऑल में, ठीक है। अब आप बताएं ये कौन सी एडिशन है, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग है या एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। अब सिंस अगर हाइड्रोक्सिल यहां पर आया, मतलब एच प्लस यहां पर आया होगा, ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, और यहां पर एक है, इसका मतलब क्या मार्कोनिकोफ एडिशन हुआ है, मार्कोनिकोफ एडिशन आपका एच प्लस एच टू ओ पे होता है, ठीक है। तो जब एच प्लस एच टू ओ से रिएक्शन कराएंगे तो मार्कोनिकोफ एडिशन होती है मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, और ओ एच जो रहता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होते हैं वहां पर जाके ऐड होता है, और हाइड्रोजन वहां पर जाकर ऐड होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक ये कन्वर्जन हुआ, अब सेकंड देखते हैं, हमारा सेकंड क्या है,
सेकेंड हमारा बेंजाइल क्लोराइड को हमें बेंजाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। बेंजाइल क्लोराइड हम किसे बोलते हैं? जब तक आप इन सभी के स्ट्रक्चर में नहीं बनाएंगे तब तक आपको नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि बेंजाइल क्लोराइड किसे कहते हैं। ये होता है हमारा क्या, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको हमें कन्वर्ट करना है बेंजाइल एल्कोहल में। ये तो बड़ा ही आसान सा है। आप इसकी क्या रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, OH आई माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, CLO क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो ये क्या होगा, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आई? इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा अगेन बड़ी ही दिनों के बाद लिगनार्ड रिएजेंट आया है इस चैप्टर में, वो क्या है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से आपको प्रोपेन वन ऑल बनाना है, CH3 CH2Br MgBr। आपको इससे क्या बनाना है, आपको इसे बनाना है प्रोपेन वन ऑल, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, बेसिकली आपको एक CH2OH की एंट्री करानी है। इसके लिए मैं आपको एक रिएक्शन बताना पड़ेगा मुझे, रिएक्शंस ऑफ, लिख सकते हैं आप टॉपिक, रिएक्शंस ऑफ लिगनार्ड रिएजेंट विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट विथ कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, आपको कोई भी एल्डिहाइड है, मान लीजिए मैंने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया HCOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किसी भी जनरल ग्रिगनार्ड रिएजेंट से करा रहा हूँ, MgX+। तो इसमें क्या होता है कि जो R माइनस है, ठीक है, ये आपका क्या है, डेल नेगेटिव चार्ज है और ये डेल पॉजिटिव, और ये R माइनस, अब सिंस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है थोड़ा थोड़ा कार्बन, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसके पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये अपना क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा इसको। ठीक है, ये जैसे ही इधर इसको डोनेट करेगा, ये वाली बॉन्ड टूट के इसके ऑक्सीजन पर चली जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, HCO-, यहां पर हाइड्रोजन तो आपका था ही और यहां पर R आपका ऐड हो गया। ठीक, अब ये O- MgX+ फॉर्म हुआ यहां पर। आप इसकी फर्दर H+ से प्रोटोनेशन करा देते हैं। ठीक है, तो ये आपको एल्कोहल मिलता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि आप किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कराते हैं GR से, तो आपको प्राइमरी एल्कोहल मिलता है। और अगर आप कीटोन से कराते हैं तो डिपेंड करता है कि आपने जो है वो टर्शरी देता है, ये आपकी एल्डिहाइड से हो गई। ठीक है, अभी जो पीछे मैंने ये वाले जो रिएक्शन लिखी है इसको ना लिखकर आप, मैं नेक्स्ट पेज पर जो लिख रहा हूं उसको आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं RCOH। ठीक है, आपने किसी R- दिस इज नॉट प्लस, दिस इज R- ठीक है -MgX+ से आपने रिएक्शन कराई ग्रिगनार्ड रिएजेंट से,
ये आर माइनस का अटैक इस कार्बन पर हुआ, जैसे ये अटैक हुआ ये पाई बॉन्ड डायरेक्टली ऑक्सीजन पर चला गया, तो आपको क्या मिला आर ओ माइनस, आपको क्या मिला आर सी ओ माइनस, ठीक है एम जी एक्स प्लस, यहां पर एच और यहां पर आपकी आर डैश लग गई। ठीक है ये बेसिकली एक एडिशन रिएक्शन है, और फिर आप एच प्लस से जब प्रोटोनेशन करते हैं तो आर सी एच ओ एच एंड आर डैश आपको एक सेकेंडरी एल्कोहल मिलते हैं, नॉट प्राइमरी। ठीक है तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे, हमें जो मिलता है वो सेकेंडरी एल्कोहल होता है। बात समझ में आई? आई तो आप चलते हैं। ये तो किसका हुआ? एल्डिहाइड का एक कीटोन का भी एग्जांपल मैं करा देता हूं कि आर सी ओ आर डैश, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कीटोन को दिया हुआ था, आपने इसकी रिएक्शन करा दी सी एच थ्री माइनस एम जी बी आर से। ठीक है जब आपने रिएक्शन कराई तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, सॉरी ये अटैक नहीं करेगा, ये जो है इसको क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है ये जैसे ही डोनेट करेगा ये ओ माइनस बन जाएगा, ये आर सी ओ माइनस हो जाएगा, ये आर डैश और इससे सी एच थ्री आकर लग जाएगा। आप फिर इसे एच प्लस से रिएक्शन करा देंगे, एच प्लस से प्रोटोनेशन इसको बोलते हैं, तो आर सी ओ एच ये हो जाएगा आर डैश और ये हो जाएगा आपका सी एच थ्री, टर्शियरी एल्कोहल आपको मिला। अब ये रिएक्शन बेसिकली मैं वहां पर कन्वर्जन के लिए यूज करना करने जा रहा हूं, तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है तो हमने एल्डिहाइड कीटोन से केस देखिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा, अगर आपने नहीं किया तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले। इसको भी नोट डाउन कर ले। ठीक है और फर्दर हम अपने कन्वर्जन को स्टार्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन इसलिए यूज हुआ, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि जो CH3CH2- और MgBr+ है अपने पास, इसकी रिएक्शन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से करा दें HCOH से, तो ये क्या होगा CH2- जो है ये इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ये O- कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा CH3CH2। ठीक है C, अब इसे O माइनस है और दो हाइड्रोजन लगे हैं, आप जब इस H प्लस से प्रोटोनेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा CH3 CH2 CH2 NH, जो आपको चाहिए था। मतलब किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में फॉर्मल्डिहाइड से अगर आप रिएक्शन करा दें तो एक CH2OH की एंट्री हो जाती है। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है इसीलिए तो मुझे दिक्कत ना हो, इसीलिए तो मुझे एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन अभी अभी बतानी पड़ी है आपको कि किस तरह से वो रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हमें 2-methyl propane 2-ol में कन्वर्ट करना है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दैट इज सी एच थ्री माइनस एम जी बी आर प्लस। ठीक है इसका यूज करके हमें किसमें कन्वर्ट करना है 2-methyl propane 2-ol है। ओके ये हमारा प्रोपेन 2-ol सी एच थ्री। ठीक है यहां भी हमारा सी एच थ्री था, यहां भी हमारा सी एच थ्री था। अब देखिए यहां पर कीटोन से रिएक्शन हुई है, टर्शियरी एल्कोहल दिखा मतलब कीटोन होगा, तो अगर हम इसकी रिएक्शन एसीटोन से करा दें सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, तो यहां पर सी एच थ्री माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, ये ओ माइनस क्या करेगा ऊपर चला जाएगा, ओ माइनस फॉर्म हो जाएगा, तो आपको क्या मिला सी एच थ्री सी
CH3 एंड O माइनस। जब आप इसकी H प्लस से प्रोटोनेशन करा दें आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3OH एंड CH3। यही हमें बनाना था, आप इसकी नंबरिंग कर ले 1 2 3। तो ये क्या रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल आ रहा है, मतलब सही है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की रिएक्शन मैंने आपको बता दी। अगर इनकी जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जब यूज होंगी, ठीक है, जब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस यूज होंगी वो हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर में मिलेंगी। एल्डिहाइड कीटोन में हम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनेजारो रिएक्शन, ये सब रिएक्शंस जो है वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो अभी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा 11.20, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। आई थिंक यही तो हो गया हमारा, ये तो हो गया। नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए आप कौन सी यूज कर सकते हैं, एसिडिक KNO4 यूज कर सकते हैं, या फिर आप K2CR2O7 यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड, इसके लिए आप मैंने बताया था कि PCC, पेरिडियम डाइक्लोराम डाइक्रोमेट, सॉरी पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट था। ठीक है, पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट, इसको हम पिरिडीन, ये थे हमारे पिरिडीन की स्ट्रक्चर, पिरिडीन Cl2 एंड CrO3 क्रोमेट को हम क्या करते हैं 1:1:1 रेशियो में जब मिक्स करते हैं तो हमारा रिएजेंट PCC बनता है। और जो बेस्ट होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्डिहाइड वो हमारा PCC होता है। आप जेई मेंस के एक पेपर में पूछा गया था, जी हाँ, IIT जेई मेंस के पेपर में पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज बेस्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड, उसकी जो आंसर थी वो थी आपकी PCC। ठीक है, तो आप इसको याद रखें, एक ही हो गया। फिर क्या हमारा ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, इसकी रिएक्शन मैंने आपको बताई थी जब NCERT की थ्योरी में आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, कि फिनॉल गिवेन हो, हम एक रिएजेंट यूज करते हैं जिससे कि हमें ऑर्थो और मेटा पैरा तीनों ही पोजीशन पर क्या होते हैं, ब्रोमीन ऐड हो जाते हैं, बी आर एंड बी आर। आपको बताना है कि वो रिएजेंट कौन सा है, याद है कि नहीं? नहीं याद है, मतलब आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे। इसकी रिएजेंट हम ब्रोमीन वाटर से करा रहे थे, याद हो तो आपको जाके फिर से अपनी नोट खोल के देखिएगा, ये क्या थी हमारी, ब्रोमीन वाटर थी। क्योंकि अगर यहाँ पर सिर्फ ब्रोमीन Br2 और FeBr3 होता तो ये क्या हो जाता, ब्रोमिनेशन हो जाता, सिर्फ एक ही ब्रोमीन लगता, आदर एट ऑर्थो एंड आदर एट पैरा, एक ही टाइम पे तीनों पोजिशन पर नहीं लगता, ये सिर्फ ब्रोमीन वाटर का ही कमाल है। ठीक है, तो आप स्पेसिफिकली इसको याद रख सकते हैं कि आपने अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई तो आपको 2,4,5 क्या था हमारा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या था हमारा, फिनॉल। ठीक है, यहाँ पर ब्रोमीन एंड यहाँ पर ब्रोमीन, तो ये क्या था 1,2,3,4,5,6, जी हाँ 2,4,6 ट्राइब्रोमो बन रहा था, यहाँ पर गिवेन भी है। समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेंजाइल एल्कोहल को हमें बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। बेंजाइल एल्कोहल को हमने किसको कन्वर्ट करना है, बेंजोइक एसिड में। बताइए इसके लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ये बेंजोइक एसिड जो है वो ये है COOH। ठीक है, बताइए इसके लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं,
आप इसके लिए एसिडिक या अल्कलाइन, कोई भी आप एसिडिक एसिडिक KNO4 KNO4 यूज कर ले, ठीक ठीक है, है, या या अल्कलाइन अल्कलाइन KNO4 KNO4 यूज यूज कर कर ले, ले, इन इन दोनों दोनों में में से से कोई कोई भी भी लिख लिख ले, ले, या या फिर फिर आप आप एसिडिक एसिडिक के टू सी आर टू ओ K2Cr2O7 सेवन भी भी यूज यूज कर कर सकते सकते हैं, हैं, ठीक ठीक है, है, वो वो अभी अभी एक एक काम्पनी काम्पनी काम्पा काम्पा नहीं नहीं है। है। और और इसमें इसमें जो जो है है आप आप एसिडिक एसिडिक KNO4 KNO4 मैंने मैंने अभी 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 लिखवाया लिखवाया था, था, तो तो आप आप इसमें इसमें अल्कलाइन अल्कलाइन KNO4 KNO4 भी भी एसिडिक एसिडिक और और अल्कलाइन अल्कलाइन KNO4 KNO4 दोनों दोनों को को यूज यूज कर कर सकते सकते हैं। हैं। ये ये दोनों दोनों ही ही क्या क्या करेंगे, करेंगे, प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल अल्कोहल को को डायरेक्टली डायरेक्टली एसिड एसिड में में कन्वर्ट कन्वर्ट कर कर देंगे। देंगे। और और एल्डिहाइड एल्डिहाइड में में वो वो प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल अल्कोहल को को कन्वर्ट कन्वर्ट करना करना है, है, तो तो किसको किसको हम हम यूज यूज करते करते हैं, हैं, जी जी हाँ, हाँ, PECC PECC को, को, बेस्ट बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट ऑफ ऑफ प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल अल्कोहल टू टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक ठीक है, है, ये ये हो हो गया गया हमारा। हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा हमारा डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ऑफ ऑफ प्रोपेन प्रोपेन टू टू ऑल ऑल टू टू प्रोपीन, प्रोपीन, ठीक ठीक है, है, यहाँ यहाँ पे पे हमें हमें क्या क्या है, है, प्रोपेन प्रोपेन टू टू ऑल ऑल है है हमारा हमारा ये, ये, और और इसको इसको हमें हमें क्या क्या करना करना है, है, प्रोपीन प्रोपीन में में कन्वर्ट कन्वर्ट करना करना है। है। इसके इसके लिए लिए हम हम कौन कौन सा सा यूज यूज कर कर सकते सकते हैं, हैं, इसके इसके लिए लिए आप आप कॉन्सनट्रेटेड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 H2SO4 यूज यूज कर कर सकते सकते हैं, हैं, मतलब मतलब कोई कोई भी भी पार्टिकुलर पार्टिकुलर एसिड, एसिड, ठीक ठीक है, है, आप आप ये ये यूज यूज कर कर सकते सकते हैं। हैं। डिहाइड्रेटिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट एजेंट भी भी है, है, कॉन्सनट्रेटेड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 H2SO4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट एजेंट है, है, ठीक ठीक है, है, आप आप इसको इसको यूज यूज कर कर सकते सकते हैं, हैं, या या फिर फिर आप आप H3PO4 H3PO4 का का भी भी यूज यूज कर कर सकते सकते हैं। हैं। आप आप इन इन दोनों दोनों में में से से कोई कोई भी भी यूज यूज कर कर लें, लें, आपको आपको अपना अपना प्रोपीन प्रोपीन मिल मिल जाएगा। जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्या है है हमारा, हमारा, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा हमारा ब्यूटेन ब्यूटेन टू टू वन, वन, ब्यूटेन ब्यूटेन टू टू वन, वन, आप आप ध्यान ध्यान से से देखें देखें तो तो ये ये ब्यूटेन ब्यूटेन टू टू वन वन है, है, मतलब मतलब कीटोन कीटोन है है ये, ये, ठीक ठीक है, है, और और आपको आपको इसको इसको कन्वर्ट कन्वर्ट करना करना है है ब्यूटेन ब्यूटेन टू टू ऑल ऑल में। में। आप आप एक एक कीटोन कीटोन को को एल्कोहल एल्कोहल में में कन्वर्ट कन्वर्ट कर कर रहे रहे हैं, हैं, ठीक ठीक है, है, तो आप आप इसके इसके लिए लिए कौन कौन सा सा रिएजेंट रिएजेंट यूज यूज करना करना चाहेंगे? चाहेंगे? मैंने मैंने रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग रिएजेंट रिएजेंट आपको आपको पढ़ाया पढ़ाया था था ना, ना, LiLH4 LiLH4 हो हो सकता सकता है, है, ठीक ठीक है, है, सोडियम सोडियम बोरोहाइड्राइड बोरोहाइड्राइड भी भी हो हो सकता सकता है। है। आप आप इन इन दोनों दोनों में में से से कोई कोई भी भी रिएजेंट रिएजेंट यूज यूज कर कर ले, ले, आपको आपको अपना अपना एल्कोहल एल्कोहल मिल मिल जाएगा, जाएगा, ठीक ठीक है, है, या या फिर फिर आप, आप, ठीक ठीक है, है, आप आप इन्हीं इन्हीं दोनों दोनों का का यूज यूज करें, करें, ये ये बेस्ट बेस्ट होते होते हैं, हैं, LiLH4 LiLH4 एट एट सोडियम सोडियम बोरोहाइड्राइड। बोरोहाइड्राइड। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते देखते हैं, हैं, गिव गिव रीजन रीजन फॉर फॉर द द हायर हायर बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ इथेनॉल इथेनॉल इन इन कंपैरिजन कंपैरिजन टू टू मिथॉक्सी मिथॉक्सी मीथेन, मीथेन, क्या क्या इस इस एग्जाम्पल एग्जाम्पल को को मेरे मेरे कराने कराने की की जरूरत जरूरत है? है? ये ये क्वेश्चन क्वेश्चन आई आई थिंक थिंक 5 से 6 बार5 से 6 बार तो तो इस इस चैप्टर चैप्टर में में आ आ ही ही चुका चुका है। है। क्या क्या मिथॉक्सी मिथॉक्सी मीथेन मीथेन है है ना? ना? ठीक 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 है, है, तो तो ये ये क्वेश्चन क्वेश्चन मैं मैं नहीं नहीं करा करा रहा। रहा। दोनों दोनों का का मोलर मोलर मास मास क्या क्या होगा? होगा? सेम सेम होगा। होगा। आपकी आपकी जानकारी जानकारी के के लिए लिए मैं मैं बता बता दूं दूं कि कि इन इन दोनों दोनों का का आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म हम हम जब जब क्लासिफाई क्लासिफाई करते करते हैं हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमर आइसोमर में, में, तो तो हम हम इनको इनको क्या क्या बोलते बोलते हैं? हैं? इनको इनको हम हम फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर्स आइसोमर्स बोलते बोलते हैं। हैं। एल्कोहल्स एल्कोहल्स एंड एंड ईथर्स ईथर्स आर आर फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर्स आइसोमर्स ऑफ ऑफ ईच ईच अदर, अदर, और और मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मूला दोनों दोनों का का सेम सेम है, है, ठीक ठीक है, है, और और सिर्फ सिर्फ क्या क्या है, है, फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, है, यहाँ यहाँ पर पर एल्कोहल एल्कोहल था था और और यहाँ यहाँ पर पर ईथर ईथर हो हो गया, गया, तो तो इसे इसे आप आप फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर आइसोमर बोलते बोलते हैं। हैं। वेल, वेल, ये ये हमारे हमारे काम काम का का नहीं नहीं था। था। जो जो काम काम की की थी थी वो वो बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट क्यों क्यों ज्यादा ज्यादा होती होती है है इथेनॉल इथेनॉल की, की, ड्यू ड्यू टू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, ये ये आप आप अपने अपने से से एक्सप्लेन एक्सप्लेन करें। करें। क्योंकि क्योंकि इस इस क्वेश्चन क्वेश्चन को को मैं मैं आई आई थिंक थिंक बहुत बहुत बार बार बता बता चुका चुका हूँ, हूँ, इसको इसको तो तो आप आप अपने अपने से से कर कर ही ही सकते सकते हैं। हैं। जबरदस्ती जबरदस्ती टाइम टाइम पास पास करने करने की की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है है मुझे, मुझे, ठीक ठीक है। है। तो तो अपने अपने इस इस पेज पेज की की जितने जितने भी भी रिएक्शंस रिएक्शंस हैं हैं या या फिर फिर क्वेश्चंस क्वेश्चंस हैं, हैं, आई आई थिंक थिंक 10 से 11 10 से 11 क्वेश्चंस क्वेश्चंस और और बचे बचे हैं, हैं, इनको इनको हम हम अपने अपने नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में में सॉल्व सॉल्व करेंगे, करेंगे, ठीक ठीक है, है, तब तब तक तक आप आप इनको इनको एटलीस्ट एटलीस्ट वन वन टाइम टाइम अटेम्प्ट अटेम्प्ट कर कर लें, लें, क्योंकि क्योंकि चैप्टर चैप्टर खत्म खत्म हो हो ही ही चुका चुका है, है, थ्योरी थ्योरी भी भी ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, मैंने मैंने 2 पेजेस दो पेजेस की की क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर आंसर भी भी करा करा दिए, दिए, तो तो थ्योरी थ्योरी और और रिवाइज रिवाइज भी भी हो हो गया गया आपका, आपका, ठीक ठीक है, है, तो तो आप आप इनको इनको एक एक बार बार